वेलकम टू रफीकुल हीरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, आज आपको हम दिखाने वाले हैं जीपीएल सीजन 6 के जितने भी टीम भाग लिए, मतलब कुल 24 टीम भाग लिए और आज इस ग्राउंड में सभी आए हुए हैं। तो आज होने वाला है लॉटरी का मतलब कौन किसके साथ भिड़ेगा तो देखते रहे इसी वीडियो में, आपको दिखाएंगे 24 टीम कौन किसके साथ भिड़ेगा आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। और हाँ गाइस, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जीपीएल सीजन 6 का जितना भी नया अपडेट आएगा सबसे पहले दिखाएंगे हम। सरफराजगंज कैप्टन शोएब अंसारी जल्दी हो, फील्ड में लाइन कर दिया सबको। लॉटरी हो रहा है। आपके हाथ में क्या है? ये लॉटरी है, लॉटरी का पुर्जा है, जो जिसके हाथ में गिरेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा शेड्यूल किसके साथ। मतलब 24 टीम का नाम लिखा हुआ इसी मतलब लिफाफा में, इसी लिफाफा में सबका नसीब का इसी से लॉटरी होगा। सभी को दिखा देना चाहता हूँ, ये लॉटरी का कुछ पुर्जा है जिसमें कोड हिसाब से इसमें होता है, सभी टीम का अलग अलग कोड जो है अलॉट किया जाएगा। मैं सभी को दिखा देना देते हुए बताना चाह रहा हूँ, ये जो कोड है सभी को एक एक दिया जाएगा और जिसका नसीब में जो कोड गिरेगा उस टीम के सामने उस कोड को जो है यहाँ पर लिखा जाएगा और उसी कोड के हिसाब से जो पहले शेड्यूल दिया गया है, जो मैच फॉर्मेट दिया गया है, उसके अनुसार आपका शेड्यूल जो है बनेगा। तो सभी एक बार देख लेंगे, इसमें टोटल 24, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक टीम अभी खाली है यानी कम है। तो लास्ट जो मैच होगा वो होगा F3 पड़ता है उसका कोड, लास्ट मैच का F2 भरते तो F3 है, F3 को हम लोग हटा देंगे ताकि मेरे पास 23 टीम का 23 पुर्जी मेरे पास रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। और एंट्री लास्ट में जाता है, एंट्री पूर्व री एंट्री होगी ना नया पूर्व री एंट्री होगा या नहीं होगा वो कमेटी फैसला करेगी, सर बाद में कमेटी फैसला करेगी उसके लिए। हेलो, कोई अगर चेक करना चाहेंगे तो डाउट होगा तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई डाउट है सर बाद में चेक कर लेंगे सर। ओके बोलो ना। देखते थे।
24 टीम के 24 कप्तान आए हैं सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि 23 टीम बिका है और एक टीम खाली है। तो तस्लीम के क्या निकला है, तस्लीम जी का मतलब जो टीम खाली है जमालपुर के साथ खेलेगा, अभी जो टीम खाली है जमालपुर के साथ भिड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर सदम जी, यहाँ पर जो जो टीम सेलेक्ट हुए हैं इनका नाम एंट्री किया जाएगा और जमालपुर का टीम भिड़ेगी, जो खाली टीम है उसके साथ, जो अभी एंट्री करेगा वो जमालपुर के साथ सीधा भिड़ेगी। सदगाछी भारत क्रिकेट भी पहला मैच, पहला जो मैच खेला जाएगा वो 6 जनवरी 2024 से, 6 जनवरी 2024 से सदगाछी भारत क्रिकेट भी पहला मैच। दूसरा मैच टूर्नामेंट का 7 जनवरी 2024 को कुटाल पोखर वर्सेस महाराजपुर। थर्ड मैच जो खेला जाएगा टूर्नामेंट का वो 7 जनवरी को ही दरियापुर वर्सेस हरिहरा। ये चौथा मैच खेला जाएगा 8 जनवरी को जामपुर वर्सेस बिंदुपाड़ा। पांचवा मैच खेला जाएगा 8 जनवरी को आहुत ग्राम वर्सेस बटाइल। छठा मैच खेला जाएगा 9 जनवरी को मैरकोला भरते सिरकुन, छठा मैच विनोदपुर भरते आगलोई बी। 9 जनवरी को ही टूर्नामेंट का 7वां मैच खेला जाएगा बड़तल्ला भरते सोनाकोड़। 7वां मैच बड़तल्ला भरते मैरकोला भरते सिरकुन। ये 8वां मैच जो खेला जाएगा बड़तल्ला भरते सोनाकड़ के साथ वो 10 तारीख को है। बाकुड़ी वर्सेस आगलोई ये 9वां मैच होगा, 9वां मैच खेला जाएगा 10 जनवरी को। 11 जनवरी को ही 10वां मैच खेला जाएगा हस्तीपड़ा वर्सेस हरिहरा बी। टूर्नामेंट का 11वां मैच साउथ सफरासगंज वर्सेस पलासबोना के बीच 11 जनवरी को। और 12 जनवरी को जो अंतिम लीग मैच होगा माधवापड़ा वर्सेस जो अभी टीम एंट्री करेगी उसके साथ। सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से आप अभी देख रहे हैं मधुआपड़ा टीम के कप्तान मिस्टर तस्लीम, जो अच्छे खिलाड़ी हैं और कप्तानी भी अच्छे करते हैं। सर इस साल जीपीएल सीजन 6 के लिए आप क्या खास तैयारी कर रहे हैं? क्या खास तैयारी करेंगे, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है। जैसे कि सीजन 5 में आपका टीम बहुत ही अच्छा लाजवाब परफॉर्मेंस किया था और कुछ कारण से वजह से आपकी टीम, जैसे कि मैच में किसी को हार किसी का जीत होता है, तो इस साल जीपीएल सीजन 6 में आप क्या नया प्रदर्शन करने वाले हैं बताने चाहेंगे हमारे दर्शक को? बिल्कुल जी, आप इस बार भी अच्छा टीम बनाए हैं और इंशाल्लाह इस बार भी जीतने की कोशिश करेंगे। हमारे मधुबाड़ा टीम के जितने भी सपोर्टर हैं बिल्कुल आप लोगों का दुआ चाहते हैं कि आने वाला सीजन 6 में हम लोग अच्छा प्रमोशन करें और जीत का दावेदार रहें। सर आपका खेला किसके साथ पड़ा है और किस डेट में पड़ा है आपके दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका टीम का मधुबाड़ा टीम के साथ जो अभी खाली है 24वां टीम है उसके साथ गिरा है जो मतलब अभी जो खाली है उसके साथ एंट्री आपका पड़ेगा 24 तारीख को 12 तारीख को सॉरी 12 तारीख को आफ्टरनून खेल है